हैं खबरों को हमारा एंगल। मैं दिव्या राठौर एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने बॉलीवुड की कुछ चटपटी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में। तो चलिए जानते हैं क्या चल रहा है बी टाउन इंडस्ट्री में। बी टाउन इंडस्ट्री में आए दिन सेलिब्रिटीज के बर्थडेज आते रहते हैं, तो इसी के चलते 1 मई को अनुष्का का बर्थडे गया है। अब अनुष्का का बर्थडे हो और विराट उसे गिफ्ट ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो विराट ने बाकी सारे सेलेब से हटकर अनुष्का को एक प्राइवेट बर्थडे गिफ्ट दिया। जी हाँ, विराट ने अनुष्का को एक लेक साइड व्यू पर बर्थडे प्रेजेंट दिया। इसी के साथ साथ उन्होंने डिनर डेट भी की। तो वहीं आजकल बी टाउन इंडस्ट्री में एक और कपल सुर्खियों में है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की। हाल ही में कार्तिक आर्यन को सारा अली खान के घर के बाहर स्पॉट किया गया, पर स्पॉट करने के साथ साथ कार्तिक को अपना मुंह छुपाते हुए भी नजर आए। जैसे ही उन्होंने कैमरा को देखा वैसे ही वे अपने मुंह को छुपाते हुए नजर आए। आपको ये भी बता दें कि सारा अली खान और कार्तिक का रिलेशनशिप तब से और सुर्खियों में है जब से सारा ने कॉफी विद करण शो में ये बताया था कि वे कार्तिक आर्यन को डेट करना चाहेंगी। आजकल बॉलीवुड में बायोपिक का ज़माना है, ऐसे में आए दिन बायोपिक्स की बातें खबरें आती रहती हैं सामने। इसी के चलते जाने माने डायरेक्टर सुनील बोहरा ने हाल ही में गिरफ्तार हुए या फिर यूं कह लीजिए रेपिस्ट आसाराम पर एक बायोपिक बनाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने इस बायोपिक पर की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ साथ एक प्रेस वार्ता में जब उनसे पूछा गया कि वो इस फिल्म में आसाराम के किरदार के लिए किसकी भूमिका पसंद करेंगे, तो उन्होंने ये बताया कि मेरा ये मानना है कि आसाराम के अलावा मैं इस फिल्म में जो महिला पुलिसकर्मियाँ थीं जिनका आसाराम को पकड़वाने में मेजर हाथ था, मैं उनकी भूमिका के लिए आलिया और अनुष्का को पसंद करना चाहूँगा और उन्हें ही कास्ट करना चाहूँगा। तो वहीं आज CBSE बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, तो चलिए जानते हैं कि आपके फेवरेट बॉलीवुड सितारों ने क्या स्कोर किए थे अपनी क्लास 12th में। तो सबसे पहले बात करते हैं कृति सैनन की। आपको पता होगा कि कृति सैनन ने अपनी कॉलेज लाइफ में एक इंजीनियर की पढ़ाई की थी। उसी के साथ साथ जब वे क्लास 12th में थी तब उन्होंने 90% थे। अब इसी के साथ साथ बात करते हैं शाहरुख खान की। शाहरुख खान ने क्लास 12th में 80% स्कोर किए थे। उसी के साथ साथ कंगना रनौत ने अपनी क्लास 12th में केमिस्ट्री में फेल होने के बाद उन्होंने अपनी क्लास 12th की पढ़ाई पूरी नहीं की। तो ये थी बी टाउन इंडस्ट्री की कुछ लेटेस्ट और चटपटी खबरें। अगर आपको और बी टाउन इंडस्ट्री की लेटेस्ट अपडेट से रूबरू होना है तो हमसे जुड़े रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें।